नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश कुमार। आप देख रहे हैं टेक्निकल एलायंस, हमारे खास एपिसोड एक्सेल की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल के एक ऐसे धमाकेदार फार्मूले के बारे में जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला है। और इस फार्मूले का यूज़ करके आप दोस्तों, अगर आपका कोई ऑफिस है या फिर आप किसी भी स्टाफ को अपने साथ रखते हैं, तो यहाँ पर इस फार्मूला का यूज़ करके आप उसके एब्सेंट और प्रेजेंट के जो दिन हैं वो काउंट कर सकते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि दोस्तों एक महीने में 31 दिन होते हैं। तो आप अगर आपके पास 10 स्टाफ है दोस्तों, 10 का काउंट करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है कि वो कितने दिन एब्सेंट रहा, कितने दिन प्रेजेंट रहा। लेकिन इस फार्मूले से आप जो है उसके एब्सेंट और प्रेजेंट तुरंत चुटकियों में पता कर सकते हैं कितने दिन वो एब्सेंट रहा और कितने दिन प्रेजेंट रहा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, कहीं से स्किप मत करिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं भैया तो देर किस बात करें, नीचे दिए हुए लाल बटन दबा करके हमारे चैनल टेक्निकल एलायंस को सब्सक्राइब कर लें, उसके बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन उसे जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे और आपको नई नई जानकारी हासिल होते रहे। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, नीचे दिए हुए लाइक वाले बटन को दबा करके लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। और आज मैं आपको एक ऐसा धमाकेदार फॉर्मूला जो है एक्सेल के अंदर बताने जा रहा हूँ। और जल्दी से आप अपना एक्सेल ओपन कर लीजिए और मुझे फॉलो करते जाइए। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने अपना एक्सेल ओपन कर लिया है। और दोस्तों आज का जो फॉर्मूला हमारा है वो है काउंट इफ़, यानी कि अगर कई सारे लोग हैं जिनकी प्रेजेंट और एब्सेंट लगाना है, जो कि आपका स्टाफ मेम्बर है, और वो जो आपका स्टाफ मेंबर है वो कितने दिन प्रेजेंट रहा और कितने दिन एब्सेंट रहा दोस्तों, ये अगर काउंट करना है तो अगर हम एक एक दिन काउंट करेंगे तो दोस्तों 30-31 दिन होते हैं एक महीने में। और आपके पास स्टाफ भी अगर काफ़ी ज़्यादा है तो दोस्तों ऐसे काउंट करने के लिए काफ़ी समय लग जाएगा। तो इस वजह से हम लोग इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कौन व्यक्ति, कौन स्टाफ कितने दिन आया हुआ है। दोस्तों चलिए हम अपनी जल्दी से एक स्टाफ की लिस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम टाइपिंग कर ले रहे हैं थोड़ा सा, और ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने स्टाफ मेंबर लिख दिया है। और यहाँ पर चलिए हम लोग स्टाफ के नाम लिख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने स्टाफ मेंबर्स के नाम लिख लिए हैं। और उसके बाद जो है इसको हम चलिए बोर्ड कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसको थोड़ा सा हमने नीचे ड्रैग किया। और ये तो हमारे हो गए नाम जो कि स्टाफ मेंबर के नाम हैं। और यहाँ पर इसलिए इसका हम फॉन्ट भी बड़ा कर लेते हैं। और इसके बाद जो है तो सो हमको करना क्या है, यहाँ पर हम डेट डाल लेते हैं, किस दिन जो डेट होती है। और यहाँ पर हमने 1-2 लिखा और इसको दोनों को सेलेक्ट किया। दोस्तों यहाँ सेलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पर सीधे एक महीने तक की पूरी डेट यहाँ पर कर लेंगे। अब दोस्तों आपने देखा कि जैसा कि हमने यहाँ पर एक महीने की पूरी डेट जो है वो सेलेक्ट कर ली है। और उसके बाद हमको करना क्या है, ये कैलेंडर हमारा बन चुका है। और अब हम लोग यहाँ पर स्टाफ की प्रेजेंट और एब्सेंट लगाएंगे। तो ये चूँकि इतनी लंबी लिस्ट है तो यहाँ पर चलिए हम कर देते हैं एब्सेंट प्रेजेंट के लिए। तो यहाँ पर पहला दिन जैसे कि पी हमने कर दिया, और फिर यहाँ ए कर दिया, यहाँ पी कर दिया, यहाँ पी कर दिया। और 7 डेज पर वीकली ऑफ होता है तो यहाँ पर हमने डब्ल्यू और ओ कर दिया। और उसके बाद जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर दोस्तों हमने पूरा ले लिया है। और
एपी कर दिया है, यहाँ पर भी हमने इसी तरीके से हम तीसरे पर भी हम कर लेंगे। तो अब देखेंगे आप दोस्तों कि इस तरीके से हमने यहाँ पर लिया और इसको यहाँ से ये कर दिया और तो ये हमारे दोस्तों यहाँ पर कोई डेटा शीट तैयार हो चुकी है। आप भी इस तरीके से अपनी डेटा शीट तैयार कर लीजिएगा। तो अब देख रहे हैं कि हमारी पूरी डेटा शीट तैयार हो चुकी है, इसको चले सेंटर कर लेते हैं हम। और सेंटर करने के लिए ये हमारा सेंटर है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा सेंटर हो चुका है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और ये जो हमारे कुछ वीकली ऑफ हैं, तो यहाँ पर हम चलिए वीकली ऐप भी यहाँ शो कर दे रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे वीकली ऐप भी हो गए हैं शो। और अब हमें नहीं पता है कि कौन व्यक्ति कितने दिन प्रेजेंट रहा है और कितने दिन एब्सेंट रहा है। और इसको ये हमारी शीट हो गई है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो है एडजस्ट कर ले रहे हैं, ताकि आपको पूरी शीट एक साथ दिख जाए। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम पूरी शीट आपको बना के दिखा दे रहे हैं। ये हमारी पूरी शीट हो चुकी है, जो कि महीने भर की शीट है। इसको हम लोग यहाँ पर इसको एक मर्ज करके तो यहाँ लिखा हुआ है, ये मर्ज करेंगे यहाँ पर इस पूरे इसको, और ये मर्ज होने के बाद दोस्तों सेंटर हम लोग कर लेंगे। और इसको पूरा हमने सेंटर कर लिया। सेंटर करने के बाद इसको हम थोड़ा कलर कर देंगे, ताकि आपको भी समझ में अच्छे से आए। और यहाँ पर हम जो शीट बना रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला, और फॉर्मूला में हम लोग लिख देंगे यहाँ पर टोटल डेज। कौन कितने दिन आया हुआ है, और यहाँ पर हम लोग दोस्तों फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला के लिए हम लोग यूज़ करेंगे कौन सा, काउंट इफ के लिए। दोस्तों यहाँ पर हम लोग इक्वल टू पहले लिया, और इक्वल टू लेने के बाद हम लोग यहाँ पर करेंगे काउंट इफ लिखेंगे। एक काउंट इफ यहाँ पर हमने जैसे लिखा, और अब हमको करना है क्या दोस्तों, यहाँ पर एक ब्रैकेट लेना है। तो यहाँ पर हम लोग ने ब्रैकेट लिया, और आप देखेंगे यहाँ पर जो है दिया हुआ रेंज, यानी कि कौन सी सेल रेंज है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से लेकर के पूरा इस पूरे 1 से लेकर 31 तक हमने सेल रेंज यहाँ पर दे दी है। और सेल रेंज देने के बाद दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कॉमा, देख रहे हैं आप यहाँ पर। तो कॉमा हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, और उसके बाद जो है
इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करेंगे। और अब हम इन्वर्टेड कॉमा में हमें क्या चीज़ यहाँ पर देखना है, तो हमें देखना है कि कौन सा व्यक्ति कितने दिन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम लोग पी करेंगे, तो क्योंकि पी हमने जो यहाँ पर डोनेट किया तो वो किया है पी प्रेजेंट के लिए। और इसके बाद जो है हम यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे और ये जो क्राइटेरिया है दोस्तों हमारा फुलफिल हो चुका है। अब हम ब्रैकेट भी बंद कर देंगे, अब दोस्तों यहाँ पर इंटर कर देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर 20 डेज यहाँ पर शो कर दिया है कि 20 डेज अमित जो है वो 20 डेज आए हुए हैं। और इसके बाद दोस्तों हम चाहिए इसको सेंटर कर लेते हैं और यहाँ पर हमारा जो डेज शो हो रहा है तो वो ये है कि इतने दिन ये आए हुए हैं और ये हमारा देख रहे हैं शो हो चुका है। और अब हमें सिंपल सा इस कॉर्नर पर जाकर के इसको ड्रैग कर देना है और आपके सभी लोग का पता चल जाएगा कौन से लोग कितने दिन आए हुए हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा सिंपल एक फॉर्मूला है और इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर जान सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति कितने दिन आया हुआ है। तो आपको ये फॉर्मूला उम्मीद है समझ में आई होगी। और अगर हमें पता करना है कि कौन व्यक्ति कितना एब्सेंट है तो दोस्तों सिंपल सा हम लोग यहाँ पर एब्सेंट करेंगे और एब्सेंट के लिए जो है यही फॉर्मूले को हम लोग कॉपी करेंगे और दोबारा टाइप नहीं करना होगा। और फॉर्मूला को कॉपी करने के बाद जो है यहाँ पर हम देखेंगे और इस फॉर्मूले में हम लोग यहाँ पर पी जो लिखे हुए थे इसको हम लोग कर देंगे ए और जो हमारी रेंज है वो हमारी यहाँ पर B4 से है और B4 के बाद यहाँ पर हमारी है AF और इसके बाद हम लोग यहाँ इंटर कर देंगे। तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 7 डेज जो है टोटल एब्सेंट हैं और प्रेजेंट कितना दिन है 20 दिन है और बाकी हमारे वीकली ऑफ जो कि 4 वीकली ऑफ हमारे भी निकल गए। तो दोस्तों इस तरीके से हम जो है यूज़ कर सकते हैं और इसको भी हम ऐसे ही ड्रैग कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन सा व्यक्ति कितने दिन एब्सेंट है। तो इस तरीके से आप जो है अपने एम्प्लॉयज़ को पता कर सकते हैं कौन सा व्यक्ति कितने दिन एब्सेंट है और कितने दिन प्रेजेंट है। दोस्तों ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसको हम और सुंदर करने के लिए यहाँ पर हम इसका लाइन बॉर्डर दे देंगे सभी का और इस तरीके से आप बॉर्डर भी दे सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से आप अपनी पूरी शीट बना सकते हैं और अपने एम्प्लॉयज़ का डेटा रख सकते हैं। दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा लगा आपको काउंटिफ का फॉर्मूला। और आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा अच्छा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ में ये बताइए कि आज के इस वीडियो से कि आपने कुछ नया सीखा, कि आपने कुछ नया जाना। उम्मीद करते हैं कि आपके वीडियो में बताई गई सभी चीज़ों को आपने अच्छे से सीखा होगा, आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और जो चीज़ ना समझ में आई हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें, हम उसका उत्तर जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। और चैनल पर नए भैया देर किस बात करनी, नीचे दिए हुए लाल बटन दबा करके हमारे चैनल टेक्निकल एंड को सब्सक्राइब कर लें, उसके बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन उसे जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय मिलता रहे और आपको नई नई जानकारी हासिल होती रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इस तरीके के नॉलेजफुल वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। दोस्तों अगर आप हमें दूसरे प्लेटफॉर्म और हमारे एक वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमें दूसरे प्लेटफॉर्म फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए क्योंकि हम वहाँ पर भी अपने वीडियो पोस्ट करते रहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो से इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।